आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। टाइटल को तो देख के आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स। अब हमारे आजकल के इस लाइफस्टाइल में सुबह के मॉर्निंग ड्रिंक से लेके रात के स्किन केयर तक बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, तो आजकल हम सभी को चाहिए कि हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें एक प्रोडक्ट में मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे सीरम्स लेके आई हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, एंड आई होप कि आप सभी को भी इनसे फायदा हो। क्या आपको पता है कि ये सीरम सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग ही नहीं करते, उसके साथ साथ आपके स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड आपके अनइवन स्किन टोन एंड हाइपरपिगमेंटेशन को भी ठीक कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज पंखुरी अग्रवाल। तो रुको रुको, अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो पहला प्रोडक्ट है इनिसफ्री का ब्लैक टी यूथ इन्हेंसिंग एम्प्योल। इस एम्प्योल की खास बात यह है कि इन्होंने ग्रीन टी को फर्मेंट करके ब्लैक टी में कन्वर्ट किया है। इसकी पैकेजिंग काफी शानदार है एंड ये ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इस सीरम का मेन इंग्रेडिएंट नाइसिनामाइड, सेरामाइड एंड ग्लिसरिन है, जिससे ये स्किन के अंदर तक जाके डीपली नरिश करता है। अगर आप स्किन ब्राइटनेस के साथ साथ हाइपरपिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड डल एंड अनइवन स्किन टोन से भी परेशान हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी एंड वाइट कलर का है, प्लस इसकी स्मेल भी काफ़ी अमेजिंग है। बहुत सारे लोगों को इसके सिर्फ एक यूज़ के बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिल गया था। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट मिनिमम एक महीने से पहले नहीं दिखता, बट बहुत सारे लोगों का दावा है कि इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 2 से 3 यूज़ के बाद ही दिखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सीरम एंड एम्प्योल में डिफरेंस क्या है। तो एम्प्योल वो होता है जिसमें सीरम के कंपैरेटिवली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। इस सीरम का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इसे डे एंड नाइट 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ करें। आप अपने स्किन को क्लेंस करने के बाद एक अच्छा टोनर लगाएं। मेरा फेवरेट टोनर है लेनेश का एसेंशियल बैलेंसिंग टोनर। ये टोनर आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, प्लस इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये एम्प्योल मुझे 30 ml 2780 का मिला है। सेकेंड है इनमें से सबसे एक्सपेंसिव सीरम एस्टे लॉडर का ANR। इस सीरम का मेन इंग्रेडिएंट है बाइफिडा फर्मेंट लाइजेट, जो कि आपके स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, प्लस ये DNA को भी रिपेयर करता है। अगर आप इस सीरम को यूज़ करते हैं तो आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइलुरोनेट भी है, तो आपको आपके स्किन में ब्राइटनिंग के साथ साथ हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। प्लस इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि आपके स्किन में क्लियर फिल्म बनाता है एंड आपकी स्किन को बाहर की धूल एंड डस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें कैमोमिल फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी है, जिससे आपके स्किन को बहुत ही सूदिंग इफेक्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें कैफीन भी है। ग्लिसरिन एंड विटामिन ई से आपके स्किन को बहुत ही स्मूथ टेक्सचर मिलता है। इसे यूज करने के सिर्फ 7 days के बाद ही मेरे स्किन का टेक्सचर पूरा चेंज हो चुका था। ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसका 7 ml मुझे 1350 का मिला। अब थर्ड है डीकंस्ट्रक्ट का 5% नाइसिनामाइड क्लियरिंग सीरम। इसका भी वर्क बहुत ही फास्ट है। इसका मेन वर्क ब्राइटनिंग ही है, हाइपरपिगमेंटेशन के लिए थोड़ा स्लो वर्क करता है, बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो हाइपरपिगमेंटेशन थोड़ा कम हो सकता है। इसका टेक्सचर बहुत ही वॉटरी सा है, ये स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस ये मेरा सेकेंड पैक है, इसको यूज करने के सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ही मुझे ब्राइटनेस अपने स्किन में शो होने लगी थी। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट नाइसिनामाइड है वो आपके स्किन के सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, तो अगर जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्लस ये अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करता है। इसका ब्राइटनिंग सीरम भी बहुत अच्छा है, जिसमें 10% नाइसिनामाइड होता है, बट अभी तक मैंने उसे यूज नहीं किया है, पर अगर आपने उसे यूज किया है तो उसका रिव्यू कॉमेंट पे जरूर दें। इसका 30 ml का पैक 594 का आता है। नेक्स्ट है प्लम का एज स्पेशलिस्ट ब्राइट ईयर्स। इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सच बताऊं तो मैंने इसे इसके पैकेजिंग के कारण ही ऑर्डर किया था। इसका मेन इंग्रेडिएंट है प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन में वाइटलिटी बढ़ाता है, जिससे फाइन लाइंस भी कम होते हैं।
इसका टेक्सचर बहुत ही मिल्की सा है, प्लस इसकी स्मेल बहुत ही क्रीमी है। ऐसा लगता है कि मैं कोई बेबी क्रीम लगा रही हूँ। ये पैराबेन, सिलिकॉन एंड SLS फ्री है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जिससे आपके स्किन को बहुत ही अच्छा प्लम्प मिलता है। इसे यूज करने के लिए आप अपने स्किन को अच्छे से क्लेंस करें एंड इसका 3-4 ड्रॉप्स रात के टाइम पे ही लगाएं एंड इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। इसके एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लगता है। इसका रिजल्ट आपको 3-4 वीक्स में मिलने लगेगा। इसका 30 ml मुझे 1575 रुपीज का मिला। लास्ट है लोटस ऑर्गेनिक ब्राइटनिंग सीरम। इसके कोई भी एक्टिव केमिकल्स नहीं है। इसकी भी पैकेजिंग मुझे काफी क्यूट लगी थी। अगर आपको सिर्फ डल एंड अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है तो ये सीरम आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका टेक्सचर जेल जैसा है एंड इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके सारे ही एक्टिव्स ऑर्गेनिक हैं। ये आपके स्किन को ब्राइट करता है एंड अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सारे ही स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है एंड इसका 30 ml मुझे 945 रुपीज का मिल गया था। तो ये थे मेरे 5 फेवरेट ब्राइटनिंग सीरम्स। अगर आपने इनके अलावा भी कोई अच्छा ब्राइटनिंग सीरम यूज किया है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं सो दैट हम उन प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू शेयर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना एंड अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय द वे, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आपको स्किन केयर एंड हेयर केयर पे इंटरेस्ट हो तो मेरे अकाउंट को फॉलो करना। मेरे अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक दी हुई है।